राउरकेला स्थित छेंद औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के विद्यार्थियों ने बालको के संयंत्र एक और संयंत्र दो का अवलोकन किया। विद्यार्थियों को 2.5 लाख टन क्षमता के स्मेल्टर, स्वचालित कास्ट हाउस, 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र, एल्यूमिना संयंत्र, सेल हाउस और फैब्रिकेशन की तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया गया। छात्र छात्राओं ने संयंत्रों की साफ सफाई और सुव्यवस्थित कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि बालको देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। एक प्रमुख विजिट हम लोग जो है ना बालको आज छत्तीसगढ़ में किए हैं। ये हमारा बच्चों को आज विजिट करने के पश्चात हमें पता चला कि संस्था में सिर्फ पढ़ना लिखना जितना ज़रूरी नहीं है, साथ में उसको विजिट करना, उसका बारे में पूरा जो है ना एक्चुअल रियल वर्किंग पोजीशन को देखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बच्चों में एक अभी मैंने नेचुरल इंसेंटिव मिलता है और आगे चल के एक अच्छे टेक्नीशियन बनने के लिए जो कार्य देखता है उसको भी पूरा प्राप्त होता है। और साथ में हमें खुशी है कि बालको के जो मैनेजमेंट स्टाफ है हमारा साथ दिए हैं और उनके कोऑपरेशन साथ हम जो है इतना विजिट को बहुत बढ़िया तरीके से लड़कों को विजिट करा सके और आगे भी है। हम उम्मीद करते हैं बीच बीच में जब भी हम लोग बच्चों को टूर करने में हम आपसे उम्मीद करते हैं हमारा बच्चों के साथ भी आप भी कोऑपरेशन रखेंगे और बालको संस्थान तथा देश का एक प्रमुख अच्छा इंस्टीट्यूट अच्छे एक वर्किंग फील्ड है जहां पर एक हमें इतना जानकारी मिलता है कि यहां का प्रोडक्ट, यहां का प्रोडक्टिविटी और इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ में एक अनोखा चीज़ है। बहुत अच्छा लगा देखने में, काफ़ी कंपनियाँ और जितना नहीं सुना था और उससे और बेहतरीन लगा सुनने में। यहाँ पर आया, बालको का नाम बस सुना था, यहाँ पर आने का बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे घूम के हमने इलेक्ट्रोलाइसिस से सब हमने किताबों में पढ़ा था, यहाँ देखने को मिला एनोड सब कैसे बनते हैं और यहाँ इनके एलुमिनियम की क्या क्या प्रोडक्ट है। ये एलुमिनियम रॉड है, एलुमिनियम का कोड है और एलुमिनियम शीट है, सब देखने को मिला, कैसे बनता है ये सब जानने को मिला। बाहर रह के तो हम लोग देखे नहीं थे, यहाँ आने के बाद ही पता चला। मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल रखे।